नमस्कार। सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं राखी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। एल्गार सम्मेलन में हार्दिक पटेल ने की भाजपा सरकार की खिंचाई। परतवाड़ा में दोपहिया ट्रैक्टर के भिड़ंत, दो की मौत एक गंभीर। एसपी के विशेष दस्ते की कार्रवाई, 30 गोवंश को दिया जीवनदान। रामनवमी शोभा यात्रा के चलते वाहतूक मार्ग में परिवर्तन। मोरना स्वच्छ मिशन में दिव्यांगों ने लिया सहभाग। स्वराज्य भवन प्रांगण में आयोजित एल्गार सम्मेलन में गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भाजपा सरकार पर आरोप करते हुए निशाना साधा। जिस देश में रहने वाले नागरिक सरकार तथा न्यायपालिका से इच्छा मृत्यु की मांग करे, उस देश के लिए यह बड़े शर्म की बात है। इस प्रकार का प्रतिपादन गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने किया। अकोला के स्वराज्य भवन प्रांगण में विदर्भ यूथ फोरम की ओर से आयोजित एल्गार सम्मेलन में वे बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पूर्व प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। किसानों को लागत मूल्य से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वादा भी सरकार ने नहीं निभाया। किसान आत्महत्या को गंभीर मुद्दा बताते हुए हार्दिक पटेल ने स्वामीनाथन आयोग लागू करने की बात कही। महाराष्ट्र में अब तक किसानों को कर्ज माफी नहीं मिली। जब चुनाव निकट आते हैं, तब किसानों को भ्रमित करने के लिए दाम बढ़ाने की बात मोदी जी करते हैं। चुनाव होते ही सब कुछ भूल जाते हैं। किसान बेरोजगार जनता को आश्वासन देकर उसे भूल जाने वाली भाजपा सरकार फेकू है। 2019 के चुनाव में अगर बीजेपी सरकार फिर से सत्ता में आई तो अराजकता फैल जाएगी। इस तरह का इशारा भी हार्दिक पटेल ने अपने भाषण में दिया। इस एल्गार सम्मेलन में मंच पर गुलाबराव गावंडे, डॉक्टर सुधीर ढोने, रविकांत तुपकर, मंगेश भारसाकले, तुकाराम बीड़कर, संग्राम भैया गावंडे, डॉक्टर आशा मिर्गे, महादेवराव भुईबार आदि मान्यवर उपस्थित थे। एल्गार सम्मेलन में बड़ी संख्या में नागरिकों की भी उपस्थिति थी। अरे भाई, बदनामी के डर से आंदोलन बंद होते तो आज मेरा हिंदुस्तान आजाद हुआ होता। तो भाई तेरी बदनामी या मेरी बदनामी, लड़ाई तो जारी रखनी है मुझे। बदनामी के डर से हम कुछ बंद नहीं करने वाले। और यहाँ पर जो यूथ खड़ा है, उन यूथ से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं इंकलाब बोलूंगा, आप जिंदाबाद बोलेंगे और 11 बार बोलेंगे। जो व्यक्ति इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकता है, उसको वहां स्वर्ग में सुनाई देना चाहिए कि भगत सिंह एक बार पैदा नहीं होते, बार बार होते, लेकिन सिर्फ नाम बदल जाता है। और ये आवाज उन लोगों तक पहुंचानी है जिसे गोरों से आजादी मिल गए, लेकिन चोर जहां पर बैठे उसकी गुलामी हम कर रहे हैं, उसके कानों तक ये बात। अमरावती जिले के परतवाड़ा तहसील में कविठा मार्ग पर हुए ट्रैक्टर दुपहिया वाहन के भीषण दुर्घटना में 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। अमरावती जिले के परतवाड़ा तहसील में परतवाड़ा से कविठा मार्ग पर खड़े ट्रैक्टर पर मोटरसाइकिल टकराने से 2 बालकों की दर्दनाक मौत होने की घटना सामने आई है। यह घटना शुक्रवार की शाम 6 से 7 बजे के बीच हुई। परतवाड़ा से बुरहानपुर की ओर एक मोटरसाइकिल पर बुरहानपुर रहवासी शिव उर्फ सोनू गोमा जामुनकर, उम्र 23 साल, बाजीलाल सावलकर,
उम्र 12 साल तथा गणेश सुखराम जामुनकर यह तीनों रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। इस दौरान कविठा मार्ग पर बीच रास्ते पर पंक्चर हुआ ट्रैक्टर दिखाई न देने से मोटरसाइकिल ट्रैक्टर पर जा भिड़ी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार शिव जामुनकर तथा बाजीलाल सावलकर के घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गणेश जामुनकर गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही परतवाड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। तीनों को परतवाड़ा ग्रामीण रुग्णालय रवाना किया गया। गणेश जामुनकर पर फिलहाल उपचार शुरू है। पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शव रिश्तेदारों को सौंपे गए। आगे की जांच परतवाड़ा पुलिस स्टेशन के थानेदार संजय सोलंके के मार्गदर्शन में की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष दस्ते ने दो ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 30 गोवंश को जीवनदान दिया। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष पुलिस दस्ते ने आज 2 जगह कार्रवाई कर 30 गोवंश को पकड़ा। इस कार्रवाई में पुलिस ने वाहन जब्त कर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। महामार्ग से एक वाहन में कटाई के लिए गोवंश ले जाए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी विशेष पुलिस दस्ते को मिली थी। एपीआई हर्षराज अकसपुरे ने अपने दल बल के साथ महामार्ग पर व्याला नजीक इस वाहन को पकड़ा। इस वाहन से 9 गोवंश को जब्त कर 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं दूसरी कार्रवाई इस पुलिस दस्ते ने कान्हेरी गौड़ी के पास की, जिसमें एक अज्ञात जगह पर टीन के शेड में 21 गोवंश कटाई हेतु बांधे हुए पाए गए। इन 21 गोवंशों को भी विशेष पुलिस दस्ते के प्रमुख हर्षराज अकसपुरे और उनकी टीम ने जब्त कर लिया। यह 21 गोवंश गुल्लू नामक व्यक्ति ने कटाई हेतु लाकर इस जगह पर रखे थे, ऐसी जानकारी पुलिस जांच में सामने आई है। इस प्रकार 2 कार्रवाई में 30 गोवंश को पुलिस ने जब्त कर जीवनदान दिया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। रविवार को रामनवमी उत्सव के चलते यातायात में परिवर्तन किए जाने की जानकारी यातायात विभाग द्वारा दी गई। रामनवमी के उपलक्ष में अकोला शहर में प्रतिवर्ष भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। कल रविवार 25 मार्च को रामनवमी के उपलक्ष में अकोला शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शाम 6 बजे यह शोभा यात्रा जय हिंद चौक से आरंभ होगी और सिटी कोतवाली, तिलक मार्ग, कपड़ा बाजार, गांधी चौक होते हुए सिटी कोतवाली चौक पहुंचकर यहां पर शोभा यात्रा का समापन होगा। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल होंगे। इस कारण यातायात की समस्या को देखते हुए शहर यातायात नियंत्रण शाखा ने शहर के यातायात मार्ग में कुछ बदल किए हैं, जिसके अनुसार बस स्टैंड से लेकर जय हिंद चौक तक की यातायात बंद रखी जाएगी। वहीं शोभा यात्रा मार्ग पर भी आवश्यक जगह पर बैरिकेड्स लगाकर यातायात रोकी जाएगी। यातायात में कौन कौन से बदल किए गए हैं, इस बारे में यातायात नियंत्रण शाखा के प्रमुख पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल ने जानकारी दी। रामनवमी सण मोठा बंदोबस्त असतो। रामनवमी मोठ्या आनंद उत्सवामध्ये अकोला शहरामध्ये साजरी केली जात असते। राजराजेश्वर मंदिर येथून माननीय आमदार लालाजी गोवर्धन शर्मा यांच्या नेतृत्वामध्ये ही मिरवणूक निघत असते। मिरवणूकमध्ये जवळजवळ 25 ते 30 हजार कार्यकर्ते त्यामध्ये समाविष्ट झालेले असतात। मिरवणुकीचा रूट असतो राजराजेश्वर मंदिर येथून जय हिंद चौक, त्याच्यानंतर कोतवाली चौक, कपडा बाजार, बियाणी चौक, गांधी, त्यानंतर सराफा बाजार, कोठडे बाजार, गांधी चौक, नंतर पुन्हा कोतवाली चौक आणि हनुमान मंदिर महाराणा प्रताप बगीच्या समोर या मिरवणुकीचा समाप्त होत असतं। मिरवणुकीचा मार्ग जवळजवळ 3 किलोमीटर अंतराचा असतो। त्या अनुषंगाने सर्व भाविकांना माता भगिनींना विनंती असेल की किल्ला चौक पासून आपला मार्ग बंद असेल, जैन चौक हा मार्ग बंद असेल, गांधी चौक ते कोतवाली चौक हा मार्ग बंद असेल, त्याचप्रमाणे बस स्टँड पासून ते गांधी चौक पर्यंत येणारा, गांधी चौक पासून तर मागचा जो समाधीशी कार्यालय आहे तो मार्ग बंद असेल। ज्या मिरवणुकीच्या मार्गावर आपणास बॅरिकेटिंग करून सूचना फलकद्वारे पोलिसांनी रस्ता वाहतूक वळवलेली असेल त्या मार्गाचा आपण न वापर करता पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, जेणेकरून आपल्या वाहतुकीस अडथळा। शनिवार को फिर से मोरना स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में विविध संगठना अधिकारी, पदाधिकारी तथा नागरिकों ने सहभाग लिया।
मोरना नदी स्वच्छ मिशन को जिले के नागरिकों का खासा प्रतिसाद मिल रहा है। जन सहयोग से मोरना नदी पात्र से कचरा और जलकुंभी बड़े पैमाने से बाहर निकाली गई है, जिसके चलते मोरना नदी पात्र कचरा मुक्त हो रहा है। लेकिन नदी को पूरी तरह से स्वच्छ किए जाने तक यह मुहिम शुरू रहेगी। शनिवार 24 मार्च को फिर से सुबह 8 बजे से जिलाधिकारी की अगुवाई में मोरना स्वच्छ मिशन चलाया गया, जिसमें विविध सामाजिक संगठन तथा नागरिकों ने सहभाग लिया। मोरना नदी को पूरी तरह से स्वच्छ करने का संकल्प अनेकों ने लेने के कारण यह मुहिम अब जन आंदोलन बन गई है। शनिवार को संपन्न हुए स्वच्छ अभियान में जिलाधिकारी के पिता उदयराज पांडे ने भी सहभागी होकर अपने बेटे का साथ दिया। मोरना स्वच्छ मिशन में दिव्यांग संगठना, तृतीय पंथी संगठना, मूर्तिजापुर के एसडीएम के साथ अधिकारी, तलाठी, कर्मचारी, पुलिस पाटिल, किसान संगठना, रैलीज इंडियाज के सदस्यों ने भाग लेकर अपना अपना योगदान दिया। जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे, एसडीएम प्राध्यापक संजय खड़से, महापौर विजय अग्रवाल के साथ मनपा के अधिकारी कर्मचारी इस मिशन में सहभागी हुए थे। मोरना स्वच्छ अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुंचा है। इसके बाद मोरना सौंदर्यकरण का कार्य शुरू होगा, जिसके लिए सहयोग देने का आह्वान जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे ने किया है। बोली, आज मिशन क्लीन मोरना मोरना स्वच्छता मुहिम चा 11वा टप्पा पार पड़ता है। या टप्पा साठी विशेष रूपये आम्ही आमचे जे दिव्यांग डिफरेंटली एबल पीपल आणि थर्ड जेंडर तृतीय पंथी जितके लोग होते त्यांना आम्ही इन्व्हाइट केलं होता। अँड मोरना स्वच्छता मिशन चे 11वे टप्प्यामध्ये सर्व दिव्यांग बंधू आणि बांधवांने प्लस तृतीय पंथी सर्व लोकांनी अत्यंत स्फूर्तपूर्त सहभाग घेतलेला आहे। आता मोरना नदीच्या 8 किलोमीटर पैकी 7 किलोमीटर जो आहे तो स्वच्छ झालेला आहे आणि आता आम्ही सेकंड फेज मध्ये प्रवेश करत आहे, ज्यामध्ये आम्ही जितकी सफाई केलेली आहे तो आम्ही सस्टेन करणार आहे, त्याचा स्थिरता देणार आहे। आणि जे नदी काठवर डेव्हलपमेंटचे काम आहे, बाग बगीचे, रोड, तो आम्ही डेव्हलप करत आहे। तर हे भविष्यामध्ये अप्रैल आणि मे मध्ये ते काम सुरू राहतील। आज दिव्यांग आणि तृतीयपंथी सर्व लोकांनी इथे येऊन मिशन क्लीन मोरनामध्ये सहभाग घेतला, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभारी आहे, सर्वांचा मी अभिनंदन करतो। मोरना नदीमध्ये आपण जसं बघू शकता आता आहे खूपच जास्त मात्रामध्ये गाळ झालेली आहे, एकत्र झालेली आहे। तो आता आमचे महाराष्ट्र शासनाचा जो धोरण आहे गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार, त्या अनुषंगाने आपण इथे लोकसहभागातून गाळ काढण्याची मोहीम हाती घेणार आहे। आणि त्यामध्ये जितके लोक जे लोक आहे ते गाळ घेऊन जातील आणि त्यांना डिझेल ज्याचे पैसे आहे ते शासन देणार आहे। शहर के अतिव्यस्त मार्ग गांधी चौक पर यातायात की समस्या सिर दर्द बनती चली जा रही है। शाम के समय यहां वाहनों की भारी भीड़ के कारण नागरिकों में तीव्र नाराजगी व्याप्त हो गई है। अकोला शहर में सबसे ज्यादा यातायात गांधी चौक में रहती है। शहर का यह मुख्य चौराहा है। इस चौराहे में सुबह से लेकर देर रात तक वाहनों की भारी भीड़ और भारी यातायात रहने के कारण जाम लग जाता है। फिलहाल इस चौराहे पर रामनवमी के उपलक्ष्य में राम मंदिर तक पंडाल बनाया गया है। यहां अब श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ हो रही है। इस चौराहे से जाने वाले चारों मार्ग पर अतिक्रमण बढ़ गया है। खरीददारी के लिए भी भारी मात्रा में लोगों का आना जाना इसी चौराहे से होता है। इस कारण गांधी चौराहे पर घंटों तक जाम लग जाता है। शहर यातायात नियंत्रण हाईवे के पुलिसकर्मी यहां तैनात किए गए हैं, लेकिन यह पुलिसकर्मी कई बार नदारद रहने के कारण यातायात ठप होती है, जिससे वाहन धारक तथा आम नागरिकों को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेषतः शाम के समय गांधी चौराहे पर यातायात का ठप होना आम बात बन गई है। वाहनों की भारी भीड़ के कारण वाहन धारकों में कई बार तू तू मैं होती है। वाहनों की भिड़ंत होने के कारण छूटपूट घटनाएं भी होती है। शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा इस समस्या की ओर तुरंत ध्यान दे, ऐसी मांग जनता की ओर से की जा रही है। अकोट स्थित आईटीआई शिक्षा ले रहे छात्र को दुपहिया वाहन चोरी प्रकरण में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस आरोपी से 3 दुपहिया वाहन जब्त की गई। महंगा मोबाइल लेने के लिए अकोट स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में शिक्षा ले रहे छात्र जाहिद अनवर यूसुफ ने दुपहिया वाहन की चोरी करने की घटना को अंजाम दे रहा था।
हालांकि इस शातिर चोर को गिरफ्तार करने में अकोट पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर में दुपहिया वाहन की चोरी की घटना में हो रही बढ़ोतरी से पुलिस महकमे की नींद उड़ गई थी। इस मामले की पुलिस निरीक्षक गजानन शेलके के मार्गदर्शन में जितेंद्र कातखेड़े, नासिर, राहुल वाघ, मंगेश खेड़कर, सूरज निम्बालकर के इस दल ने आरोपी छात्र के गांव पन्नज में जाकर छापामार कार्रवाई की। वहां पर उन्हें चोरी की दुपहिया मिली। कार्रवाई के बीच आरोपी छात्र से पूछताछ करने पर उसने कहा कि उसके पिता ऑटो चालक है। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से उन्होंने अपना ऑटो रिक्शा बेचकर शिक्षा का खर्च उठाया है, परंतु अन्य छात्रों के पास महंगा मोबाइल देखकर मोबाइल खरीदने के लिए इस घटना को अंजाम देने की जानकारी दी, जिसके बाद इस छात्र ने शहर के विभिन्न जगहों से दुपहिया वाहन की चोरी का सिलसिला आरंभ कर दिया था। इस मामले में शहर के सुरेश भूतड़ा, अनिल पिंपले व शिवा जाइले की चोरी की गई दुपहिया कब्जे में लेने में पुलिस को सफलता मिली है। अन्य दुपहिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आरोपी छात्र को न्यायालय के समक्ष पेश किया और पीसीआर मांगे जाने की जानकारी थानेदार शेलके ने दी है। मागील काही महिन्यापासून अकोट शहर पोलीस स्टेशन मधून परिसरामधून मोटरसायकल चोरीला जाण्याचं प्रमाण थोडंसं वाढलं होतं। त्या अनुषंगानं पोलीस आपलं काम करत होते। आमच्या गुन्हे शोध पथकाला एक खात्रीलक माहिती मिळाली की पन्नज येथील सय्यद जाहीद अनवर अली हा ITI शिकणारा विद्यार्थ्याने मोटरसायकल चोरल्याची आम्हाला खात्रीलक माहिती मिळाल्यावरून आमची टीम तिथे गेली पन्नजला आणि त्यांनी जवळ पंचासमक्ष त्याच्या घराची झडती घेतली असता एक मोटरसायकल तिथे मिळून आली आणि ती मोटरसायकल आमच्याकडे दाखल असलेल्या गुन्ह्यामधली मोटरसायकल चोरीची मोटरसायकल असल्याने ती जप्त केली। त्याला आणल्यानंतर ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला विश्वासात घेऊन विचारपूस केली। त्याने आणखी दोन मोटरसायकल चोरल्याची कबुली दिली आणि त्यामागचं कारण त्याला विचारलं असतं त्यांना सांगितलं की त्याचे वडील ॲटो वगैरे चालवत होते। उच्च शिक्षण BSc इथे खामगाव अकोटमध्येच BSc त्याने ॲडमिशन घेतली होती, परंतु त्यानं मधूनच सोडून दिली आणि तो शिकावा आणि स्वतःच्या पायावर उभा राहावा म्हणून त्याच्या वडिलाने ॲटो जो आहे तो विकला आणि त्याला शिकवत होते, परंतु आर्थिक अडचणीमुळे आणि त्याला अँड्रॉईड आणि स्मार्ट मोबाईल घेण्याची फार आवड होती म्हणून तो घेण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे त्याला ती मोटरसायकल चोरल्याची कबुली त्यांना दिलेली आहे। आतापर्यंत त्याच्याकडून 3 मोटरसायकल आम्ही जप्त केलेल्या आहेत, त्याचा PCR आम्ही घेतलेला आहे आणि आणखी काही मोटरसायकल त्यांना चोरल्या आहेत का त्या संबंधाने आमचा। अकोला जिले के ग्राम पंचायतों अंतर्गत पथदीप कनेक्शनों पर 45 करोड़ बकाया राशि के चलते महावितरण द्वारा बिजली आपूर्ति खंडित करने की कार्रवाई की जाएगी। पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की ओर से पथदीपों का बिजली बिल बड़े पैमाने पर प्रलंबित रखा गया है। यह आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। अकोला मंडल अंतर्गत ग्राम पंचायत में 990 पथदीपों का कनेक्शन दिए गए हैं, जिन पर 45,69,00,000 रुपए बकाया है। इसमें अकोला ग्रामीण विभाग में 671 कनेक्शन होकर 38,37,90,000 रुपए, अकोट विभाग में 291 पथदीप कनेक्शनों पर 7,30,38,000 रुपए बकाया है। इस कारण महावितरण ने सभी बकायादार स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं को नोटिस जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बकाया भरे अन्यथा नियमानुसार बिजली आपूर्ति खंडित की जाएगी। कई नोटिस का अवधि भी खत्म हो चुका है, जिससे किसी भी समय महावितरण की ओर से कनेक्शन काटा जा सकता है। ग्राहकों की ओर बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए महावितरण शून्य बकाया मुहिम चला रही है। इस कारण बकायादार बकाया बिल भरकर अनचाही कार्रवाई से बचे, ऐसी अपील भी महावितरण ने की है। राष्ट्रीय महामार्ग स्थित कुरनखेड़ में आरोग्य केंद्र की ओर जाने वाले रास्ते की दुरावस्था के चलते नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर स्थित कुरनखेड़ के प्राथमिक आरोग्य केंद्र की ओर जाने वाले रास्ते की दयनीय अवस्था हुई है। कुरनखेड़ के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में आसपास के 10 से 15 खेड़ों से नागरिक उपचार हेतु बड़े प्रमाण में आते हैं। इस प्राथमिक आरोग्य केंद्र में रोगियों के लिए सुविधा अच्छी मिलने के कारण नागरिकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन प्राथमिक आरोग्य केंद्र की ओर जाने वाले रास्ते पर बड़े प्रमाण में गड्ढे होने के कारण रुग्णों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
प्राथमिक आरोग्य केंद्र की ओर जाने के लिए यह एकमेव रास्ता है, जिसके चलते नागरिक हैरान हो गए हैं। इस रास्ते के लिए स्थानीय नागरिकों द्वारा जिला परिषद तथा संबंधित विभाग को निवेदन भी सौंपे गए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी मार्ग पर जिला परिषद मराठीशाला, जिला परिषद उर्दूशाला, आंगनवाड़ी होने के कारण छात्राओं को दिक्कतों का सामना करते हुए स्कूल जाना पड़ रहा है। अब इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो तीव्र आंदोलन का इशारा गाँव वासियों ने दिया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। एल्गार सम्मेलन में हार्दिक पटेल ने की भाजपा सरकार की खिंचाई। परतवाड़ा में दोपहिया ट्रैक्टर के भिड़ंत, दो की मौत एक गंभीर। एसपी के विशेष दस्ते की कार्रवाई, 30 गोवंश को दिया जीवनदान। रामनवमी शोभा यात्रा के चलते वाहतूक मार्ग में परिवर्तन। मोरना स्वच्छ मिशन में दिव्यांगों ने लिया सहभाग। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। यांना आपल्या नाकाला थोडंसं वॅसलिन लावायचं आणि ते कॉटनचे बॉल्स नाकाने उचलायचे, हात न लावता। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तुम्हाला कोण आवडतं? अमिताभ। शोले, याराना, दिवा, दोस्ताना, कुली, मर, बागवा, अजून मजबूत, काय मिनिटांमध्ये सगळ्यात जास्त उखाणे ज्या कोणी सांगतील त्या आपल्या उखाण्या स्पर्धेच्या विजेत्या ठरतील। मंगळसूत्र आहे सौभाग्याचे खून, भूषण रावांचं नाव घेते, मी आहे भागवतची सून। 4+5=9, सुमेध इज व्हेरी फाईन। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, सुमेध के बिना नहीं जीना। आणि तुमची वेळ सुरू होते आता? घड्याळात वाजला 1, सुधीरावांनी आणला केक। घड्याळात वाजले 2, सुधीरावांनी आणला फोन। संपूर्ण परिवाराची आज आणि आपली जी सिटी मैत्रीण आहे त्याच्यासाठी ह्या आपले मुंबईस होणार आहेत आणि नेहमी आपल्यासोबत अशीच धमाल मस्ती करणार आहेत। मैत्रिणींना तुम्हाला सुद्धा माझ्यासोबत असं गेम्स खेळायचं असेल, तुमची इच्छा असेल, मी तुमच्या कॉलनीमध्ये तुमच्या एरियामध्ये यायला पाहिजे, तुमच्याबरोबर गेम्स खेळायला पाहिजे, तुमचे काही सजेशन असतील तर स्क्रीनवर दिलेल्या या नंबरवरती तुम्ही मला कधीही कॉन्टॅक्ट करू शकता। थँक्यू।